कांग्रेस ने शुक्रवार को साल 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस ने अपना 5 फॉर्मूले वाली 25 गारंटियां जारी कर दी हैं। ये वो गारंटी है जिसका खेल कर्नाटक के चुनाव में देश पहले ही देख चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर पलटवार भी कर दिया है और ये भी बता दिया है कि आखिर बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से क्यों अलग होता है। पहला वोट पड़ने के 2 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बड़ी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया है। कर्नाटक में गारंटी कार्ड जारी करके कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की थी और अब उसी गारंटी वाली शैली को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी जगह दी है। जिसपे सीधा फोकस देश के उस सबसे कमजोर वर्ग पर है जो भारत का सबसे बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक विदेशी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। इस तस्वीर की इतनी चर्चा क्यों है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 वर्गों के लिए 5-5 गारंटियां हैं। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय। जो मैनिफेस्टो बना है ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है ये लिखी। वो ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। मजेदार बात है, इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं मान लिए हैं। मतलब कोई नई नवेली पार्टी होती, अजब अलबेली पार्टी जो इस समय भारत की राजनीति की सबसे नई पार्टी है, जिसके आगे वो पुरानी धुरानी और नई नवेली दोनों मिलके एक हो गए हैं, वो एक बार कहती तो समझ में आता था। कांग्रेस की एक एक गारंटी का मतलब क्या है, आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए बीजेपी का बयान। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवा न्याय का मतलब है पहली गारंटी, पहली नौकरी पक्की, दूसरी गारंटी भर्ती भरोसा, तीसरी गारंटी पेपर लीक से मुक्ति, चौथी गारंटी इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा और 5वीं गारंटी युवा रोशनी। इसी तरह कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी महालक्ष्मी योजना, दूसरी गारंटी शक्ति का अधिकार, तीसरी गारंटी आधी आबादी पूरा हक, चौथी गारंटी अधिकार मैत्री और 5वीं गारंटी सावित्री बाई फूले हॉस्टल। किसान, पिछड़ा वर्ग और श्रमिकों को भी ऐसी ही 5-5 गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस के प्रमुख वादे हैं जाति जनगणना, आरक्षण पर 50% कैप हटाना, किसानों को MSP की गारंटी, EVM के साथ VVPAT की अनिवार्य गिनती, अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलाना आजाद छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों को आसान ऋण, गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना, सरकारी नौकरियों में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित, मानहानि केस अपराध मुक्त होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का विरोध, दल बदल कानून में बदलाव किया जाएगा, दूसरी पार्टी को वोट देने वाले जन प्रतिनिधि की सदस्यता रद्द होगी, जांच एजेंसियों की शक्ति को कम किया जाएगा, बुलडोजर न्याय को खत्म किया जाएगा।
हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। सामने आ रही है, जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बिहार में महागठबंधन और लालू यादव परिवार पर तंज कसा है। बिहार की 12 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होने पर उन्होंने कांग्रेस और लालू यादव परिवार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लालू परिवार के 12 में से 6 का तो जुगाड़ हो गया, बाकी 6 प्रतीक्षा सूची में है। बिहार कांग्रेस उम्मीदवार ढूंढने में परेशान क्यों है, ये ट्वीट भी किया गया है। लेकिन बड़ी अपडेट आपको बताएं, जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बिहार में महागठबंधन और लालू यादव परिवार पर तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि बिहार की 12 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होने पर उन्होंने कांग्रेस और लालू यादव परिवार पर कटाक्ष किया है। तो आपको बताएं कि कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन में है, अलायंस में है और अलायंस के साथ ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है। लेकिन क्या कुछ उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ये भी जरा जल्दी से आपको बता दें। लालू परिवार के 12 में से 6 का तो जुगाड़ हो गया है, बाकी 6 प्रतीक्षा सूची में है। बिहार कांग्रेस उम्मीदवार ढूंढने में परेशान क्यों है, घर में उम्मीदवार पूरे शहर में ढिंढोरा। तो ये नीरज कुमार की ओर से ट्वीट करके कटाक्ष आरजेडी और कांग्रेस पर किया गया है। लेकिन जब नीरज कुमार ये कहते हैं कि लालू परिवार के 12 में से 6 का तो जुगाड़ हो गया, बाकी 6 प्रतीक्षा सूची में है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। घर में उम्मीदवार, अब पूरा शहर ढिंढोरा। महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस पार्टी को 9 सीट मिला, 3 अब तक उम्मीदवार इन्होंने घोषित किया, तो 6 बचे हुए हैं। तो सीटों की अदला बदली कर लीजिए, तो ये 6 लोग तो लालू जी के परिवार में अभी प्रतीक्षा सूची में है। 6 लोगों का तो राजनीतिक समायोजन हो गया, कोई पार्टी के अध्यक्ष है, कोई विधानसभा विपक्ष के नेता है, कोई विधान परिषद में विपक्ष के नेता है, कोई राज्यसभा के सांसद है, कोई लोकसभा के उम्मीदवार हैं, तो 6 ही तो वेटिंग लिस्ट है, तो 6 को कन्फर्म करने में क्या दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम तो अनुरोध करेंगे कि परिवारवाद के लिए अगर बेहतर राजनीति का एजेंडा आपका है, इससे सुनहरा मौका कोई नहीं मिलेगा। तो हम चंद्रमोहन का रुख कर लेंगे। चंद्रमोहन, ये बात तो नीरज कुमार सही कह रहे हैं कि वाकई आरजेडी की ओर से बहुत देर हो रही है कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट में, लेकिन ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि घर में उम्मीदवार शहर भर में ढिंढोड़ा, इसका क्या मतलब निकाले हम? बिल्कुल।